दोस्तों, वास्तु का जिंदगी में अपना अलग ही महत्व है। आज हम बात करने वाले हैं उन औरतों के बारे में जो शादीशुदा हैं, जिनको हम सुहागिन कहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी क्रियाएं करती हैं, कुछ ऐसे काम करती हैं जिनके चलते उनके शादीशुदा जीवन में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं। ज्यादातर स्त्रियों को इस चीज का पता ही नहीं कि वो जो चीज कर रही हैं उसका प्रभाव उनके परिवार पर क्या होगा, उनके पति पर क्या होगा, बच्चों पर क्या होगा, उनके जीवन पर क्या होगा। बस वो सुंदरता के पीछे और लोगों को दिखावे के चक्कर में इतना दूर चली जाती हैं, इस कदर वास्तु को अनदेखा कर देती हैं कि उनके जीवन से सुख संपत्ति सब चली जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 नियमों की जो ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन में करती हैं और सुखी जीवन जीती हैं, और जो इनका उल्लंघन करती हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं, ना परिवार साथ रहता, ना पति, ना बच्चे। तो ऐसे कौन से 3 नियम हैं जिनको हर महिला को जो शादीशुदा है, जो सुहागिन है, उसको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सोने की। देखिए, सोना साज सज्जा के लिए, आभूषणों के लिए बहुत जरूरी है। पहनती हैं औरतें, बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, भाग्य बदलता है सोना पहनने से, लेकिन आप अति ना करें सोना पहनने में भी। अति से मेरा कहना है आप सोने के कमरबंद पहनिए, सोने के बाजूबंद पहनिए, सोने के झुमके पहनिए, सोने के कंगन पहनिए, लेकिन सोने के पायल मत पहनिए। कुछ औरतें ज़्यादा पैसा दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को बड़ा करने के लिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं, मैं तो पायल भी सोने की ही पहनती हूँ, ऐसा कर अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेती हैं। देखिए, जो सोना है वो कुबेर भगवान का प्रतीक है। अगर कुबेर आपकी जिंदगी में आकर आपसे रुष्ट हो जाए, आपसे अप्रसन्न हो जाए, तो आपकी जिंदगी में कहाँ से धन आएगा, कहाँ से संपत्ति आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, आप खुश कैसे रह पाएंगे। तो जो औरतें दिखावा करती हैं सुंदरता के चक्कर में, जो भी वो सामने वाले को दिखाना चाहती हैं, वो ये ना करें। पायल कभी भी सोने की ना पहने, चुटकी कभी भी सोने की ना पहने। मतलब साफ है, जो सामान पैरों पर पहना जाए, पैरों के जो आभूषण हैं, उसमें आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं पहनना चाहिए। दूसरी जो गलती ज़्यादातर औरतें करती हैं, आज के वक्त में जो महिलाएं हैं वो काले रंग को साज सज्जा में बहुत तरीके से ले आई हैं। देखिए, काजल जो काला है, मस्कारा आप यूज़ करते हो, वो अच्छी चीज़ है, यूज़ कीजिए, लेकिन कुछ औरतें ब्लैक कलर की नेल पेंट लगा लेती हैं, ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहन लेती हैं, ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा लेती हैं, अब उनका क्या किया जाए। वास्तु के हिसाब से काले कलर की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहन चाहिए, और जो काले कलर की लालिमा है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसे आप लिपस्टिक बोलते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले कलर का नेल पेंट भी आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप काले रंग का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो शनि भगवान का प्रकोप आप पर बहुत बुरे तरीके से प्रभाव डालेगा, और आपने जिंदगी में जितनी उन्नति की है उससे पीछे ही चले जाएंगे, ना कि आगे। तो कभी भी फैशन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आके वास्तु के साथ पंगा मत लीजिए। वास्तु के नियम बहुत सख्त हैं, और वास्तु ने एक बार सोच लिया कि ये इंसान नियम का पालन नहीं कर रहा, तो समझ जाइए आपको बहुत बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। देखिए, बहुत सी औरतें क्या करती हैं, सफ़ेद रंग की साड़ी पहन लेती हैं। देखिए, यदि आपके पति जिंदा हैं, आप सुहागन हैं, तो आपको सफ़ेद साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ औरतें आजकल आकर इन चीज़ों को भूल गई हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, सफ़ेद साड़ी पहनने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन वास्तु कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जो बात है उसके हमेशा अच्छे प्रभाव भी होते हैं और बुरे प्रभाव भी होते हैं। देखिए, वास्तु कहता है कि लाल कलर पहनना चाहिए, जिससे कि आप अगर सुहागन है तो आपके पति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, काम में उन्नति होती है, आपका बुरा प्रभाव, नेगेटिविटी आप में नहीं आती। तो उसी तरीके से अगर आप सफेद रंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और बोलते हैं कि मनगढ़ंत बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं, वास्तु का हम पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, तो वास्तु ऐसा है, आपको कभी भी सितारे से नीचे जमीन पर लाकर छोड़ देगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। आप सोचेंगे यार, जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद भी मैंने आखिर ऐसा क्या ही कर दिया जिसके चलते मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे जो सक्सेस है उसमें इतने रोड़े आ रहे हैं। तो दोस्तों, 3 सिंपल से नियम हैं, आप अपनी बीवी को बता सकते हैं। अगर आप खुद ये वीडियो देख रही हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी जिंदगी में यूज़ करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पायल सोने की ना पहने, सोने का कोई भी आभूषण जो पैरों से रिलेटेड है उसका यूज ना करें। दूसरी चीज जो थी, साज सज्जा के सामान में काले रंग का प्रयोग कम से कम करें, ना काली चूड़ियां पहने, ना काली लिपस्टिक लगाएं, ना काला नेल पेंट, और काजल काला बहुत शुभ माना जाता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो 3 चीजें बताई हैं उन काले रंग का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। साथ ही साथ सफेद रंग से भी परहेज करना है अगर बात होती है साड़ी की। अगर आप सुहागन हैं, अगर आपके पति जिंदा हैं और अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहती हैं, तो सफेद रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें वस्त्रों में।
बाकी की बातें आपको बताऊंगा नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी वास्तु से दिक्कत है, परेशानी है, इन बातों में अगर आपको कोई लगता है कि मुझे और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हर एक सवाल का पूरा पूरा जवाब मिलेगा सही तरीके से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई बातों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।